हेलो गाइस, तो गाइस यार आज हम लोग लोकी क्राफ्ट हेल्पर के कुछ सीट्स ट्राई करने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि वो स्केरी वाले सीट्स वर्क करते हैं या नहीं, रियल है या फेक। तो इसके लिए हम लोग न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसमें जाके सीट डालते हैं -13904473 08। ये वाला जो सीड है हम लोग को डालने के बाद वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। उन्होंने बोला था सर्वाइवल में जाना है, लेकिन हम लोग क्रिएटिव में ही जा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मतलब स्पॉन पॉइंट पे हमें एक मशरूम बायोम देखने को मिलेगी, तो वो बात तो उनकी रियल निकली। यहाँ पे मशरूम बायोम है, उसके जस्ट मतलब अटैच में एक विलेज देखने को मिला है हम लोग को, और यहाँ पे एक विलेज है और उन्होंने बोला था कि आधे आधे घर मिलेंगे, तो वो बात भी रियल है क्योंकि यहाँ पे ये कुछ घर है ना, ये मतलब बिल्कुल आधे हो रखे हैं और मतलब इनमें भूत है। भूत से मतलब हमारा ज़ोंबीस। ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो ज़ोंबी वगैरह है ना, ये यहाँ पे मतलब इनका ही विलेज है। ये इन्होंने विलेजर्स को तो भगा दिया है यहाँ से, ज़ोंबी ने राज करने लग गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो सारे घर है ये भी आधे धसे हुए हैं ज़मीन में, और यहाँ पे जो है मशरूम बायोम भी है। और मतलब ये सीड एक तरह से अच्छा भी आप लोग के लिए, अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वैसे ये सीड एकदम रियल है। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं हमारे सेकंड सीड की तरफ। तो हमारा सेकंड सीड निकल के आता है, मतलब इसको आप लोग को ढंग से लिखना पड़ेगा, ZUKULEMTHO। ये वाला सीड डालने के बाद हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा और हम लोग स्पॉन हो जाएंगे एक विलेज के अंदर। नॉर्मल सीधा साधा विलेज नहीं, एक ज़ोंबी विलेज, उसके अंदर हम लोग स्पॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग विलेजर्स ने कैसे पथ बना रखे हैं यहाँ पे, मतलब क्या कर रखा है इन लोगों ने। मतलब भाई यार आधे आधे घर जो है वो जमीन में जा रखे हैं, मतलब कर क्या रखा है इन विलेजर्स ने। और यहाँ पे मतलब है ना, कुछ घर तो आधे ही हो रखे हैं, मतलब बनाए आधे उन्हें। देख सकते हो आप लोग, एक ये एक घर है जिसमें एक ब्लॉक है, एक घर है जिसमें डबल ब्लॉक है। यहाँ पर रहते कैसे होंगे ये, वैसे ज़ोंबी इनको रहने की ज़रूरत कहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और घर है, ये वाला घर, तो बाकी सब नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे हमारा है ना एक और घर है, ये वाला घर, इसमें भी आप लोग देख सकते हो ये दोनों नुबड़े फंसे हुए हैं। और यहाँ पे भी ये घर भी हमारा ना मतलब आधा ही रखा है। तो चाहो तो इस विलेज में आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी है, और यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है ना वो मतलब उसके घर में जाके हम लोग देख लेते हैं, कुछ लूट वगैरह मिलती है, अच्छी खासी मिलेगी तो ठीक है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पे एक आयरन की पिकेक्स और कुछ एक दो इंगट मिले हैं आयरन के, ये तो नॉर्मली बना लेते हैं हम लोग, प्रो हैं हम, नूब वाले प्रो। तो गाइस यार उसके बाद हमारा थर्ड में सीड निकल के आता है। मिथ बनाते बनाते ना मिथ की आदत सी हो गई है। उसके बाद हमारा थर्ड सीड निकल के आता है 90445। उसके बाद हम लोग को यहाँ मतलब एड वेड तो हटा देना है क्योंकि लोकी क्राफ्ट वाले थोड़ी सुधरेंगे। उसके बाद हम लोग एक जस्ट विलेज में स्पॉन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे विलेज में कुछ नहीं है, विलेज के पास रहती है एक चुड़ैल, और हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे हम लोग को एक चुड़ैल मिलती है या नहीं, क्योंकि लोकी क्राफ्ट हेल्पर को भी ये चुड़ैल मिली नहीं थी, हम लोगों को भी यहाँ पे चुड़ैल मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गई है। तो गाइस यार ये वाला सीट भी आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छा है वैसे। तो गाइस यार आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।